अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे चिकन मुरादाबादी बिरयानी। तो आप देख सकते हो हमने क्या क्या लिया है। 1 किलो हमने चावल लिए है, इसको पानी में भीगने के लिए रख दिया 20 मिनट पहले। बासमती राइस लिए हमने, आप देख सकते हो कच्चा बासमती, तो 20 मिनट से ये पानी में भीगने के लिए रख दिया हमने, तो इसको 30 मिनट रखना है पूरा। तो अभी 10 मिनट और रखेंगे हम इसको। 1 किलो चिकन लिया, इसको धोकर छन्ने में रख दिया है। 4 हमने प्याज ली थी बड़ी बड़ी साइज़ की, इसको इस तरह से लंबी लंबी स्लाइस में हमने कट करके रखा हुआ है। 300 ग्राम दही लिया है, 1 छोटी गड्डी पुदीना, 1 छोटी गड्डी हरा धनिया, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 2 चम्मच लिया हमने लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच लिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये कलर लिया हमने बिरयानी वाला कलर, तो 2-3 चुटकी लेंगे हम इसमें से कलर। और ये देख सकते हो आप, 2 जगह रखे हमने खड़े मसाले। तो आप देख सकते हो ये वाले खड़े मसाले हम जब बिरयानी को बघारेंगे तब चाहिए हमको। तो इसमें हमने क्या क्या लिया ये देख लीजिए आप। 3 चम्मच हमने ज़ीरा लिया फुल भरकर, 2 तेज़पत्ते लिए हैं और 3 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए, 4 लौंगे, 4 हरी इलायची और 7-8 ली हमने काली मिर्चें। और ये यखनी तैयार करेंगे तब चाहिए हमको। 3 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 3 चम्मच सौंफ, और ये छोटे छोटे ही पत्ते हैं, कुछ बड़े हैं तो ये 3 ले लिए हमने। और दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, और ये स्टार फूल था हमारे पास, इसको हमने तोड़ दिया है। 7-8 काली मिर्चें हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो ये धनिया में चले गए, आप देख लीजिए। और 2-3 हमने इसके अंदर भी लौंगे ऐड की है। ये यखनी तैयार करेंगे तब चाहिए हमको। और 4 टमाटर लिए हमने, 1 प्याज ली है, 10 से 12 हरी मिर्च ली है, 7 हमने लहसुन की कलियाँ ले ली है, 7 से 8 रहेगी बड़ी बड़ी है, और बड़ा अदरक का टुकड़ा ले लिया हमने। ये दिखाएंगे हमको कब चाहिए, अखनी में भी डालना है और बघारेंगे तब भी डालना है हमको। तो ये टमाटर बघारेंगे तब चाहिए, इसमें से हम थोड़ी सी हरी मिर्ची बघारेंगे तब ऐड करेंगे, और अभी अखनी में ऐड करेंगे, दिखाएंगे आपको। तो हम देख सकते हो पतीले में हमने 1 लीटर पानी ले लिया है, और जो खड़े मसाले हमने आपको दिखा दिए थे वो हमने धो लिए अच्छे से, इसके अंदर ऐड करना है क्योंकि हमको अखनी तैयार करनी है पानी में ही। तो अच्छे से इसको धोकर ऐड कीजिए, तो जो भी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाती है। और हमने प्याज को इस तरह से मोटा मोटा रफली चॉप किया है, हरी मिर्च ली हमने 6, और ये लहसुन की कली अदरक का टुकड़ा भी हमने इस तरह से मोटा मोटा इसको काट लिया है। ये सब ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, यखनी का ही नमक ऐड करना है हमको। तो ये हमने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है इसके अंदर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसको गैस पे रख देंगे, मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे इसको 10 मिनट। प्याज हमको फ्राई करना है, इसके लिए हमने तेल ज़्यादा लिया है। प्याज फ्राई होने के बाद हम तेल को कम कर देंगे, तो जो हमने प्याज कट करके रखी हुई है वो ऐड कर देंगे पूरी। इसको हमको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, फिर फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल देंगे। प्याज हमारी फ्राई हो जाती है तब तक हमारी यखनी भी तैयार हो जाती है। दूसरे गैस के ऊपर हमने उसको शिफ्ट किया है, फुल फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यखनी को 10 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है क्योंकि इसके अंदर सब इसका फ्लेवर आ चुका है मसालों के। आप देख लीजिए खड़े मसालों के इस तरह से पानी का कलर हो चुका है। अभी हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमने धोकर छन्ने में रख दिया था, पूरा ही चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसको 5 मिनट पकने देंगे इसी के अंदर। तो आप देख सकते हो प्याज भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो गैस को हमने बंद कर दिया है, तेल हमारा गर्म है, अब इसी में और भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। इसी तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया, आप देख लीजिए, तो तेल अभी गर्म है तो एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। इसी स्टेज पे आप बंद कर दीजिए गैस को, क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है तो उसमें बहुत अच्छे से ये हो जाएगी, वरना फिर ये जल जाएगी। तो इसके लिए हमने गैस को बंद कर दिया है। अभी हम इसको अच्छे से होने के बाद निकाल देंगे तेल के अंदर से बाहर, और तेल को भी कम कर देंगे। तो
आप देख सकते हो चिकन डालकर हमको 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, देख लीजिए आप। बहुत ज्यादा टाइम तक इसको नहीं रखना है, नहीं तो ये इसी में गल जाएगा फिर। तो इसका इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है यखनी का। इसके लिए 5 मिनट ही बस रहने दीजिए आप मीडियम फ्लेम पर। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से बहुत टेस्टी हो जाएगा चिकन हमारा। अभी हम चिकन अलग कर लेंगे और ये हमारा स्टॉक अलग कर लेंगे। और ये जो खड़े मसाले हैं इसका कुछ काम नहीं है अभी। इसका जो भी टेस्ट आना था इसके अंदर आ चुका है। अभी हम इसको फेंक देंगे, सभी छान लेंगे इसको। तो आप देख सकते हो तेल को हमने कम कर दिया है, 7-8 चम्मच के करीब तेल हमने रहने दिया है। गैस को हमने चालू कर दिया है। अभी हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर देंगे जो हमने आपको दिखा दिए थे। जीरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख लीजिए अब अच्छे से ये चटक गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल नमक मिर्च आप आपके हिसाब से लीजिएगा, आप किस तरह से पसंद करते हो। किसी के यहाँ कम पसंद किया जाता है, किसी के यहाँ ज़्यादा। हमारे यहाँ तो मीडियम ही पसंद किया जाता है, हम तो मीडियम ही डालते हैं। आप आपके हिसाब से लीजिए सब कुछ, या फिर इसी हिसाब से लीजिए आप मीडियम पसंद करते हो तो। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और ये 7-8 हरी मिर्च ये ऐड कर देंगे। धो लिया हमने इसको अच्छे से। ये तीखी नहीं है मिर्ची, इसके लिए हमने ज़्यादा ली है। टमाटर हमने धोकर कट कर लिया, ये ऐड कर देंगे। अभी हम इसको 2 मिनट भून लेंगे, अदरक लहसुन का और हमारे मिर्ची का कच्चापन जाने का। तो आप देख सकते हो 2 मिनट ही हमने इसको भून लिया है। मिर्ची का भी कच्चापन चला गया, अदरक लहसुन का भी, और टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। हरा धनिया और पुदीना ये हमने धो लिया था, पुदीने को सिर्फ हमने तोड़ दिया है, हरे धनिया को कट किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी जो यखनी का पानी है हमारा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये 1 लीटर पानी था हमारा, और 1 लीटर पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस इतना ही पानी चाहिए हमको, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यखनी में हमने नमक ऐड कर दिया था, ये हमको चावलों का नमक ऐड करना है, तो ध्यान से ऐड कीजिए, ज़्यादा ना हो जाए, आप आपके हिसाब से कीजिए। नमक डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, और चिकन हमने जो अलग करके रख दिया था वो ऐड कर देंगे। अभी सभी चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी हम इसमें बॉईल आने देंगे। इस समय आप नमक चख सकते हो, कम हो तो डाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हो इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर सभी चावल हमारे ऐड कर देंगे। सभी चावल हमने ऐड कर दिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिए हमने। अभी हम इसको ढक देंगे, पूरा नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा खुला रखेंगे और इसका पूरा पानी ड्राई होने देंगे। तो 7-8 मिनट में अच्छे से इसका पानी ड्राई हो जाएगा, सब फुल फ्लेम पर ही ड्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो
7-8 मिनट हो चुके हैं इसको फुल फ्लेम पर ही हमने इसका पानी ड्राई कर लिया, आप देख लीजिए। अभी हमने जो कलर लिया था वो हमने थोड़े से पानी में इसको घोल कर रखा हुआ है, ये ऐड कर देंगे हम। और प्याज जो फ्राई करके रखी हुई थी थोड़ी सी ऐड कर देंगे हम, थोड़ी बचा लेंगे गार्निशिंग में यूज करेंगे। इस तरह से कितनी अच्छी प्याज हमारी आप देख लीजिए, बिल्कुल भी जली नहीं है। और एक चम्मच देसी घी ऐड करेंगे, इस तरह से बीच में ऐड करना है, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अभी हम एक कपड़ा ढक देंगे, पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है इस तरह से। फिर इसके ऊपर प्लेट रख देंगे और नीचे हम पुराना सा तवा रख देंगे। तो आप देख सकते हो पुराना सा तवा हमने नीचे रख दिया है, आपके पास भी हो पुराना सा तवा तो नीचे रख दीजिए, फिर तले में चावल लगते बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम स्लो फ्लेम पर इसको 7 मिनट रखेंगे, 7 मिनट में बहुत अच्छे से हमारे चावल दम हो जाएंगे, 7 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो 7 मिनट पूरा हो चुका है और इसकी स्टीम आपको नजर आ रही होगी, कितने अच्छे से इसके अंदर स्टीम बन चुकी है। गैस को हमने बंद कर दिया है क्योंकि बहुत अच्छे से हमारे चावल हो चुके होंगे, चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से स्टीम बनने चाहिए, तो सब तरफ से बहुत अच्छे से चावल हमारे दम हो जाते हैं। तो एक ही साइड से चेक करना है, कौन सी भी एक साइड से आप इसको चेक कीजिए, इस तरह से आप देख सकते हो। सब तरफ से नहीं चेक करेंगे, सिर्फ कभी भी चावल को आपको चेक करना हो तो एक ही साइड से कीजिए आप। तो आप देख सकते हो एक ही साइड से हमने इसको ऊपर नीचे किया है, देख लीजिए आप। और कलर भी कितना प्यारा इसका लग रहा है, इस तरह से आप कलर डालिए और उसके ऊपर घी डालिए। चिकन भी देख लीजिए आप कितना अच्छे से हमारा टेंडर हो चुका है, ये गरम है देख सकते हो आप, एकदम खिला खिला चावल हमारा बनकर तैयार हो चुका है, देख लीजिए आप। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह। अभी हम आपको सर्व कर दिखाएंगे, तो इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखिए। जब यखनी आप इसकी तैयार करोगे तो पूरा घर आपका महक जाएगा खुशबू से। ये लीजिए बनकर तैयार है चिकन मुरादाबादी बिरयानी, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको एक बार ट्राई करोगे तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको बार बार ट्राई करना चाहोगे, इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और आपका इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। और हमारी रेसिपीज की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तो मिलते और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।